विपक्ष में एक चेहरा बता दो जो पीएम के पद पे बैठेगा। ये सारे जीतने के बाद आपस में ही लड़ते रहेंगे, कल मैं बैठूंगा, परसों तू बैठेगा, नरसों तू बैठेगा, सारे एक एक दिन मिलके लूटेंगे देश को। महागठबंधन कहता है कि इस बार हारने जीतने के लिए वोट नहीं करना है, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए वोट करना है। अब केजरीवाल बाहर आ गया, अब लोकतंत्र बच गया, खतरे से बाहर निकल गया। बोले थे ना फटाफट बेरोजगारी को खत्म कर देंगे एक झटके में, मीडिया ने सामने बिठा के पूछा तो बोला मोदी जी का क्या हुआ, मोदी जी पे आरोप डाल दिया उसका। क्या मतलब है भाई, आप अपनी जुबान पे नहीं टिके हुए, आप किस पे कैसे बंदे हो यार। इसी देश में, इसी लोकतंत्र भारत में आज भी मदरसों को फंड मिलता है, उर्दू चलाए जा रहे हैं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी डेली एनसीआर के बजट से ही फंड मिलता है। हमने कभी आपत्ति नहीं उठाई, क्या हमारी कोई यूनिवर्सिटी या कोई संस्कृत विद्यालय सरकार के फंड से चल रहा है? नहीं। तो फिर आप कौन से धर्म की बात कर रहे हो? जनता चाहे कुछ भी कहे, जनता चाहे कुछ भी कहे, धर्म की बात करे, धर्म की राजनीति करे, सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी और नेता सभी धर्मों को समान नजरों से देखते हैं और बजट को समान रूप से वितरित किया जाता है। आज से गुरुकुल बंद कर कराए गए, क्यों करवाए गए? आप मदरसे पढ़ाओ ना, अच्छा पढ़ाओ। मैं दिन में देखता हूँ जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इस काबिल तो बनाओ कल के दिन नौकरी मिले। उनसे मदरसे साहब बच्चे जो हैं उनसे उन्हें गृह मंत्री का नाम पता नहीं है और राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है। आप मदरसे में पढ़ा क्या रहो सर, हमें दिक्कत नहीं है, मदरसा पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, उनका बहुत सी बनाओ। एक क्या अरबी सीखे वो सीख सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा सर। सर देश शिक्षा से बढ़ेगा। आप ये कहेंगे शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, अब जब स्कूल खोल रखे गवर्नमेंट ने उस पर तो आप जा नहीं रहे हो, अब मदरसे में तुम अलग किताब पढ़ रहे हो और फिर गवर्नमेंट से जॉब चाहिए, अब वहाँ पे इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, मदरसे में इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती है, तो सर नौकरी मिलेगी तो मिलेगी कहाँ से आप बताओ? और दोष देंगे मोदी को, मोदी कहाँ से, मोदी दोष कहाँ हो गया? और हमारे देश में गरीबी का स्तर, कोई भी सरकार आपके कैमरे माध्यम से कह रहे हो, कोई भी सरकार आ जाए जब तक जनसंख्या कानून पर लागू नहीं होगा तब तक हमारे देश की गरीबी नहीं मिट सकती है, लिख के ले लो आज ये बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए आज भी मदरसों का करिकुलम और सिलेबस देखा जाए तो वो अपडेटेड नहीं है, जबकि सीबीएसई और अदर गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, बच्चों को आईटी सेक्टर का नॉलेज दिया जा रहा है और ऐसी जगहों से डिग्री लेकर आप सड़क पे खड़े होके कहोगे कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, तो हमारे देश की सरकार के पास कोई मशीन नहीं है और रोजगार कोई नोट नहीं जो छाप के सरकार जनता में बांट देगी। रोजगार का सृजन किया जाएगा, सृजन का मतलब होता है हमें खुद इस लायक बनना पड़ेगा कि हम अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकें, हमें अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारी स्किल से लेनी होगी। एंटरप्रेन्योरशिप भी एक रोजगार है, अपना स्टार्टअप लेना भी एक रोजगार है और अपने दिमाग में चल रहे किसी विचार को बाजार में प्रोडक्ट के तौर पे उतारना भी रोजगार है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम सरकारी नौकरी करते रहेंगे और सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है जो 150 करोड़ की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार दे सके। मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले इलेक्शन में हर देश का नागरिक बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा ले, कोई भी धूप से, आंधी से और तूफान से ना घबराए, क्योंकि चुनाव हमारा भविष्य है और चुनाव ही हमारा अधिकार है और हमें वोट देना है और सही का चयन करना है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है, सब कुछ मोदी के कंट्रोल में है, वैसे जीत जाएंगे तो क्या जरूरत है। मैं एक बात बताता हूँ, जिसकी नाव डूब रही है वो हाथ पैर मारना ही नहीं चाहेगा। विपक्ष को साफ दिखाई दे रहा है कि इतने स्पष्ट बहुमत और इतने स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की गवर्नमेंट के सामने खड़े रह पाना संभव नहीं है, तो वो जनता से इनडायरेक्टली तौर पर कह रहे हैं बायकॉट इलेक्शन कमीशन। और मैं फिर आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत एक लोकतंत्र का देश है और यहाँ चुनाव में ना जाने की अपील करना, लोगों को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भड़काना, ईवीएम में खराबी बताना, ये सब देशद्रोह की बातें हैं और देशद्रोह को हमें कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को बढ़ चढ़ के अपने अपने इष्ट को याद करते हुए और अपने अपने धर्म को याद रखते हुए वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। क्या माहौल है इस बार लोकसभा इलेक्शन का आपके यहाँ? इस बार मोदी का माहौल है और किसी का नहीं है। कैसे, क्या मोदी का? बिल्कुल मोदी का है, जो विकास करेगा वही तो आएगा सर, चोर डकैत थोड़ी आएंगे। चोर डकैत कौन है भाई, नेता है सब, कोई सत्ता पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, चोर डकैत आने वाला आज चोर डकैती कहलाएगा। भाई साहब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल बताता हूँ, मैं एक भारत का आम नागरिक, ये मेरा भाई,
आप मेरे भाई, हम तीनों में से किसी के ऊपर भी आज तक कोई पुलिस केस नहीं है, और हम मुख्यमंत्री पद पे बैठकर जेल जाकर नहीं आए। इसका मतलब नेता जो है, जो इतने बड़े दिल्ली NCR का मुख्यमंत्री होने के बाद जेल तय नहीं हुए, आरोप तय हो जाएंगे, 20 दिन के लिए जमानत मिलना। पहले कैसे पता आपको कि आरोप तय हो जाएंगे? जांच का भी मेरी बात सुनिए, धुआं वही उड़ता है जहां आग लगी होती है। अगर वो जेल गया है इसका मतलब कुछ तो गलत किया होगा भैया। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, एक छोटा सा मामला होता है कहीं पे, अगर मारपीट का भी, अगर वो भी मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो उसकी जांच कराई जाती है। और ये तो फिर भी हमारा मुख्यमंत्री है भाई दिल्ली का, तो उस पे एक ऐसा तो नहीं है कि बेसिक सी जानकारी हाई कोर्ट ने भी नहीं लिया। इतना बड़ा मूर्ख तो मेरे को नहीं दिखता हाई कोर्ट। कैसी बातें कर रहे हो आप? आज जुडिशरी के लिए पॉसिबल, वही चीज कह रही है भाई, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एक आम आदमी को बिना आप मतलब प्रूफ के या बिना कोई मतलब फैक्ट के आप अरेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर तो वो तो सिटिंग CM है, उसको कैसे अरेस्ट कर लेगा? विपक्ष के जितना नेता है सबके ऊपर आरोप है, सत्ता पक्ष के भी आरोपी होंगे कि नहीं? विपक्ष वो अभी तक जेल नहीं, राजनीतिक संरक्षण की वजह नहीं। आज सुनिए, ये गलत बात है, राजनीतिक संरक्षण आप गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं। फिर मैं कहूंगा, चरण चुंबकी ना बनिए, अंधभक्त ना बनिए, आप आंखें खोल कर देखिए, नहीं दिखता तो उस पर चश्मा लगाइए, फिर आपको सच्चाई दिखाई देगी। मुझे एक बात, बीजेपी वाला चश्मा लगा के? मैं नहीं कहूंगा बीजेपी वाला, ये आप तो यही कह रहा, ये आपके, हम भी नहीं कह रहे, विपक्ष कहता है भाई, ये कह रहे जो बीजेपी के चश्मा लगा के देखिए सब क्लियर। नहीं देखिए, सावन के अंधे को सब हरा ही नजर आता है, मैं फिर ये कहूंगा, और हम सावन के अंधे नहीं है। आप इस बात का जवाब दो ना, विपक्ष अपनी बात पे टिका कब रहता है? फटाफट सटासट घटाघट घटाघट, ये क्या है? आलू डालो, नहीं एक बात बताओ ये क्या है? उसके बाद अभी एक ही एक बेसिक सी ले लो कि हम बोले थे ना फटाफट बेरोजगारी को खत्म कर देंगे एक झटके में, मीडिया ने सामने बिठा के पूछा तो बोला ये तो मोदी जी का क्या हुआ था, मोदी जी पे आरोप डाल दिया उसका। अच्छा। क्या मतलब है भाई, आप अपनी जुबान पे नहीं टिके हुए, आप किस पे कैसे बंदे हो यार? जुबान पे टिके हैं। इस बार राहुल गांधी या महागठबंधन कहता है कि इस बार हारने जीतने के लिए वोट नहीं करना है, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए वोट करना। अब केजरीवाल बाहर आ गया, अब लोकतंत्र बच गया, खतरे से बाहर निकल गया। भाई मेरी बात सुनो, शेर कभी पिंजरे में नहीं रहता, शेर जंगल का राजा होता है और वो खुले में घूमता है। और एक बात और याद दिला दूं, शेर जानवर होता है, शेर एक जानवर होता है, एक इंसान अपनी तुलना जानवर से कब से करने लगा? मैं ये कह रहा हूँ, विपक्ष में एक चेहरा बता दो जो PM के पद पे बैठेगा। ये साले जीतने के बाद आपस में ही लड़ते रहेंगे, कल मैं बैठूंगा, परसों तू बैठेगा, नर तो तू बैठेगा, सारे एक एक दिन मिलकर लूटेंगे देश को।